أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. आज का हमारा जो मौजू है रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत से पहले 40 साल दौर पढ़ने की अहमियत, यानी इसका मरकज़ी मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले। सभी मुसलमान इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम की जो नबुव्वत की उम्र है वो 23 साल है। नबुव्वत से पहले की जो 40 साल ज़िंदगी है आपकी, इस ज़िंदगी को पढ़ना, इसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, और इसके बग़ैर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की 23 साल नबुव्वत वाली ज़िंदगी को पढ़ने में कितना खलल होता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क़ुरान मजीद में अल्लाह सुबहान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की 40 साल ज़िंदगी पर भी गुफ्तगू की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद जगहों पर आपकी 40 साल ज़िंदगी को आपकी नबुव्वत के दलाइल के तौर पर पेश किया है। 40 साल दौरे नबुव्वत, 40 साल जो ज़िंदगी है नबुव्वत से पहले की, ज़ाहिर बात है हम इसका इहाता नहीं कर सकते, एक एक जुज़ नहीं पेश कर सकते हैं। इसकी कुछ गोशे में आपके सामने रखूँगा बतौर यानी एक तालिबे इल्म को एक रुख देने के तौर पर कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें होना चाहिए और इसको किस तर्ज पर पढ़ना चाहिए, और उस 40 साल दौर को खुसूसन हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो गैर मुस्लिमीन के सामने किस किस गोशे को पेश करना चाहिए और कैसे पेश करना चाहिए, वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। बुनियादी बात और पहली बात, कुरान मजीद में अल्लाह सुबहान व तआला ने कई मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने, उस पर गौर व फिक्र करने की दावत दी है। तफक्कुर कहते हैं किसी चीज़ के, किसी मामले की हर पहलू पर नज़र डालना, हर पहलू पर नज़र रखना, उसको कहते हैं तफक्कुर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह सबा में, कुल इन्नमा अऊज़ुकुम बिवाहिदा أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة। इस पर आप गौर करें, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल से अलैहिस्सलाम कि मैं बस आपको एक बात कहता हूँ, एक ही बात की दावत देता हूँ कि तुम अकेले अकेले तन्हा या जमात कुछ लोग मिलकर के बैठें और मेरी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें, मेरे हर पहलू को देखें आप, मेरी चाल चलन, मेरे मामलात,
मेरी रास्तगोई, मेरी निजी ज़िंदगी, मेरे सफ़र हज़र, बड़ों छोटों से मेरे मामलात, सब सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब हर फैलों पे गौर कीजिए और फिर नतीजा क्या होगा बताइए। माँ बिसाहिबी कुम मिन जिन्ना, फिर बताइए कि तुम्हारे जो साथी हैं क्या उन्हें जुनून है, दीवानगी है? क्या कभी मेरी बातों में आपने बेहूदगी देखी, मेरे रहन सहन में, मेरे चलने फिरने में, मेरे मामलात में? माँ बिसाहिबी कुम मिन जिन्ना। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सूरतुल आराफ के आखिर में भी कहा, अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के आखिर में कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सूरह नज़्म के आगाज़ में कहा, वन नज़्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मैं इतनी सारी आयतें जो आपके सामने पढ़ी हैं एक नुक्ता बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का से जब ख़िताब किया तो कहा कि साहिबुकुम साहिबुकुम, आप अली सलाम को इन सभी लोगों के लिए एक साहिब के तौर पर पेश किया। अरबी ज़ुबान में साहिबुन एक ऐसे साथी को कहते हैं जिसके साथ इंसान ज़िंदगी लगाता है, जिसकी सोबत में रहता है, जिसकी मिजाज से वाकिफ़ हो जाता है, जिससे मुतालिक़ पीठ पीछे कहता है कि वो ऐसे और ऐसे और ऐसे हैं। कहा कि ये तुम्हारे साथी हैं, कोई अजनबी नहीं। इस तरह एक शख्स किसी गांव में आके ज़िंदगी गुजारता है, किसी शहर में आके ज़िंदगी गुजारता है, भले एक ज़माने के बाद वो वहाँ का हो जाए, लेकिन आगाज़ में वो तो उन लोगों के लिए अजनबी। मोहम्मद तो ऐसे नहीं है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबुकुम कहा अल्लाह ताला ने, इनका बचपना तुम्हारा बचपना तो एक है, एक साथ पले बड़े हैं, एक एक गली में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, हर मामले में एक दूसरे के साथ रहे हैं, फिर भी तुम्हारे लिए अजनबी हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में कहा कि साहिबुकुम जो अल्लाह ने कहा ना, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, साहिबुकुम कह कर के दो बातें, दो फ़ायदे यहाँ पर होते हैं, दो फ़ायदे मिलते हैं। ताकि एक फ़ायदा ये है कि इनकी शनाख्त बयान की जा रही है, इनकी बदबख्ती बयान की जा रही है कि आप अल्लाह के रसूल को बचपन से जानते हैं, फिर भी आप इनसे मुतालिक ऐसे और ऐसे गलत औसाफ़ से मुतसिफ़ कर रहे हैं, गलत बातें मनसूब कर रहे हैं इनके ताल्लुक से। यानी हो सकता है एक आम आदमी कहे कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, उनसे बज़न हो सकता है, या कुछ जानता होगा कुछ नहीं जानता होगा, ये तो 40 साल तुम्हारे दरमियान लगाए हैं, फिर भी तुम इनसे मुतालिक जान बूझ कर ऐसी ऐसी बातें कहते हो उनके बारे में, कितनी बुरी बात है ये गोया कि एक लतीफ़ अंदाज में उन पर यानी डांट डपट है। एक दूसरी बात, माँ बिसाहिबिकुम साहिबिकुम कहने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि दीगर लोग मोहम्मद पर एतराज़ करें या नबूवत पर उनकी ईमान ना लाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन है उनके लिए एक एक सबब हो, उनके लिए हो सकता है कोई उज़्र हो। तुम्हारे लिए क्या उज़्र है? इनकी तस्दीक करने में आपको पहल करनी चाहिए, आप अव्वल रहें इनकी तस्दीक में, इसलिए कि आप इनको बचपन से जानते हैं। माँ बिसाहिबिकुम साहिबिकुम कह कर के अल्लाह सुबहानहू व तआला ने गोया कि उनके जज्बात को तहरीक दी है रब्बुल आलमीन ने। ये बहुत अहम चीज़ है, इसीलिए हम देखते हैं सहाबा में जो इस्लाम कबूल किए अल्लाह के रसूल, जो सहाबा हैं आगाज़ में, मुतअद्दिद वजूहात हैं, क़ुरान की तासीर की वजह से या आप अलैहिस्सलाम के अखलाक की वजह से। एक सबब ये भी है कि वो अल्लाह के रसूल को बचपन से जानते थे, आपकी 40 साल ज़िंदगी उनके सामने थी, उस 40 साल ज़िंदगी को देख करके भी कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, एक बड़ी तादाद। यानी अल्लाह के रसूल पर इस्लाम, अल्लाह के रसूल पर ईमान क्यों लाए आप? उनकी 40 साल ज़िंदगी को देख कर, ये भी नबूवत से पहले की ज़िंदगी को देख कर। आज भी कोई गैर मुस्लिम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़ता है और 40 साल ज़िंदगी को पढ़ता है, वो आपकी नबूवत से मुतालिक तजस्सुम का शिकार नहीं होगा, एक बेचैनी सी नहीं रहेगी उसके पास। आज आप देख लीजिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर ममालिक का छोड़िए आप, जितने लोग सियासत में हैं, सियासी एतबार से जो सरबराह हैं, उनकी शख्सी ज़िंदगी पर लोग कितनी बातें करते हैं, उनकी स्कूल की तालीम से लेकर, उनके घरेलू मामलों से लेकर, उनकी तिजारत से लेकर,
उनके एक बड़े ओहदे पर आने तक कितनी बातें की जाती हैं, हत्ता के यानी यानी दीनी नुक्ते नज़र से भी लोग किस कदर गुफ्तगू करते हैं एक एक एक, एक दाई से मुतालिक भी कभी कभार। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी सुबहानल्लाह सबसे जुदा, आपकी 40 साल ज़िंदगी को अल्लाह ने महफूज रखा और लोग उसको देख करके इस्लाम कबूल किए, उस ज़िंदगी को देख करके। दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हदीस मुबारक है मुसनद अहमद की, जिसमें जो हबशा का किस्सा है ना, उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उसके रावी हैं और वही बहुत तफसील से उस पूरी कारकर्दगी को बताए हैं। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मुहादसा था, जो तवील गुफ्तगू हुई उनकी बादशाह से, उस सारी बातें उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान की हैं। मुसनद अहमद की हदीस है, हसन दर्जे की रिवायत है। ये जो हदीस मुबारक का जो एक किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हदीस बहुत तवील है। मुसनद अहमद के मुहक्किकीन ने इस हदीस मुबारक को हसन कहा है, इसलिए कि इसमें मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न यसार अलमतलबी रहमतुल्लाह साहिब अलमगाज़ी वो सदूक रावी हैं, लेकिन वो मुदल्लिस भी हैं, लेकिन इसमें उन्होंने समा की सराहत की तहदीस। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह से वो रिवायत करते हैं और कहा कि हद्दसनी मोहम्मद इब्न मुस्लिम, ऐसे उन्होंने कहा है। ये हसन दर्जे की रिवायत है। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से जब अल्लाह के रसूल से मुतालिक पूछा गया कि आप उन पर ईमान लाए हैं, वो कौन हैं, उनकी क्या तालीमात हैं, तो उन जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, वो काबिल गौर हैं। आपने कहा, बअसल्लाहु फीना रसूलन, बअसल्लाहु फीना रसूलन मिन्ना, रसूल मिन्ना, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल को भेजा है जो हम में से हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, वो हम में से हैं। नअरिफु नसबहु वसीफतहु, कितनी बड़ी बात है देख रहे हैं आप। नअरिफु नसबहु वसीफतहु वसिदकहु वअमानतहु वअफाफहु, उनकी पाकबाजी, उनकी सच्चाई, उनका नसब नामा क्या है हमें मालूम। हालांकि जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ख़ानदान के हैं, आपके चचेरे भाई हैं, अबू तालिब के फर्जंद हैं, लेकिन देखो सुबहानअल्लाह आप पर ईमान लाए। जितनी बातें आपके सामने रखी हैं 40 साल दौर को भी सामने रखा, हालांकि आपके चचेरे भाई हैं, आपके इतने करीब हैं, जाहिर बातें ज़्यादा हक था कि वो ईमान लाएँ। और यही कहा उन्होंने, ना हरीफ़ु न सबहू वसीफ़तहू व अमानतहू व सिदक़हू व अफ़ाफ़हू, ये सब बातें उन्होंने उनके सामने रखी कि इस वजह से मेरे पर ईमान लाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अहदे फ़ारूक़ी में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु को जब बहरीन भेजा था, बहरीन आज का बहरीन नहीं है जिसकी राजधानी मनामा है, बहरीन जो जिस पर किसरा की हुकूमत होती थी, ईरान की हुकूमत होती थी, जब आपने भेजा उनकी तरफ ईरान की फतह के लिए, मुतादिद सहाबा थे उसमें, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में, किसरा ने कहा कि जो है मैं एक शख्स से बात करना चाहता हूँ, तुम में से किसी को नुमाइंदा बना करके मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। यह हदीस सही बुखारी की है। सही बुखारी में किताबुल जिज़ियत वल मुआदा, तवील हदीस है। किसरा से काफ़ी बातें हुई इनसे, मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से। कूफा में इंतकाल हुआ इनका 50 हिजरी को। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने से मुतालिक, सहाबा से मुतालिक, अरब की तहजीब तमद्दुन से मुतालिक मुतादिद बातें की। जब बात अल्लाह के रसूल की आई कि इनसे हमारा ताल्लुक हुआ कैसे, किस बुनियाद पर हम उन पर ईमान लाए, मुग़ीरा बिन शोबा ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, बअथा, अल्फाज देखिए आपके, बअथा रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज़ीन तआला ज़िक्रुहु व जल्लत अज़मतुहु इलैना नबियन मिन अन्फुसिना, यानी बअथा अल्लाहु नबियन मिन अन्फुसिना नअरिफ़ु अबाहु व उम्महु। सुभान अल्लाह,
نعرف اباه وامه, ہم ان کے گھرانے کو جانتے ہیں, ان کے ماں باپ کو جانتے ہیں, ان کے گھر سے متعلق ہم باخبر ہیں. یعنی ہوتا نہیں, ایک ایک انسان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے اس کا گھرانہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. جو انسان مجہول ہو, کتنا بھی ہو, آپ کتنی بھی دوستی کریں, جب تک آپ اس کے ماں باپ سے واقف نہیں, اس کے گھرانے سے واقف نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی چیز اوجھل رہتی ہے, ایک چیز آڑ رہتی ہے. لیکن یہ کیا کہا انہوں نے, نعرف اباہ و امہ, یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہم محمد کو دیکھ کے ایمان قبول کیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مقصود کیا ہے کہنا آپ کو, کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے 40 سالہ زندگی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں, کوئی واقف بھی نہیں ہے تب بھی آپ پر ایمان لائے, لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی بھی بہت اثر رکھتی ہیں. اللہ نے محفوظ کیا اس کو, اس کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, انبیاء علیہ السلام کے جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں, آپ دیکھیے کہ نبوت سے پہلے کی ان کی جو زندگی ہے اللہ نے اسے بھی بیان کیا. مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا, ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا, قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, مرجوا یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی لوگوں کو اور بت پرستی سے روکا, تو کہا کہ آج آپ ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اتنہانا ان نعبد یعنی ما یعبد آباؤنا, کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں, جن معبودوں کی ہمارے آبا و اجداد سے جو ہمیں چیز ملی ہے ہم ان کو چھوڑ دیں, اس سے روکتے ہو آپ, جبکہ آج سے پہلے کل تک ہماری آپ سے امیدیں وابستہ تھیں. کنت فینا مرجوا قبل هذا, آپ کے اندر جو جوہری صفات ہیں, جو 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 اعلیٰ معیار ہے آپ کا, عقل جو مضبوط ہے آپ کی, جو صاحب رائے ہیں آپ, اور جو آپ کے اندر جو کہ متعدد صفات ہیں, عمدہ عمدہ صفات ہیں, ہماری دلی تمنا یہ تھی کہ آپ ہمارے سردار بننے والے ہیں, آپ ہمارے قائد بننے والے ہیں, آپ ہی ہیں جو ہمارے سب کچھ ہیں, لیکن آپ دیکھو ہمارے راستے سے ہٹ چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی گویا کہ صالح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی پوری زندگی ان کے سامنے کس طرح کی تھی, وہ ان کو قائد بنانے کے لیے تیار تھے. کنت فینا مرجوا قبل هذا, یہ قابل غور بات ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. سورۃ القصص اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ, اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل آغاز میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. یہ تو آپ اس وقت کا قصہ ہے جب آپ شیرخوار بچے تھے, گود کے بچے تھے آپ. وہاں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا, فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ طُورِ نَارًا, جو آگ دے کر کے آپ جانے لگے آگ لینے کے لیے, جہاں سے آپ کو نبوت ملی, یعنی آپ گود کے بچے تھے, وہاں سے لے کر کے آپ کی جو نبوت کا جو دور ہے وہاں تک کا پورا دور اللہ نے بیان کیا. اس میں بے داغ جوانی بھی اللہ نے بیان کیا آپ کی, کہ ایک لڑکی اپنے والد سے آپ کا تعارف کراتی ہے کہ آپ کے اوصاف کیا ہیں جسمانی اعتبار سے, اندرون کیسا ہے آپ کا. ایک تنے تنہا لڑکی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہے اور اپنے والد کے پاس انہیں لے کر آتی ہے, کتنے اعتماد اور اطمینان سے گئی ہوگی وہ. اور وہ لڑکی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں, اللہ نے کسی بھی نبی کے لیے خائنہ کا انتخاب نہیں کیا ہے, کسی خیانت کرنے والی عورت کا انتخاب نہیں کیا رب العالمین نے, کسی بدچلن اور فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک عورت, ایک لڑکی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے, جب آپ کو نبوت تک نہیں ملی ہے آپ کو, اور آپ کو لے کر کے اپنے والد کے پاس تک آتی ہیں, کتنا اعتماد رہا ہوگا ان پر اور کتنی بے داغ جوانی رہی ہوگی موسیٰ کی علیہ السلام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کردار کیوں بیان کیا آپ کی نبوت سے پہلے کا, اگر ہم اس تفسیر میں جائیں تو اسے مستقل ایک طویل وقت چاہیے. میں آپ کو بس یہ جزوی طور پر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے بہت معنی رکھتی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, خصوصاً جب اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ یونس میں, قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. آپ اس آیت کریمہ کا سیاق دیکھیے آپ, کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو باتیں آپ پر وحی کے طور پر نازل ہو رہی ہیں جس میں ہمارے معبودان باطلہ کی عیب جوئی اس میں ہو رہی ہے,
उनके तालुक से बुरा भला कहा जा रहा है, आप इन बातों को तर्क कर दें, कुछ और बातें भी सुनाएं आप, जिससे कुछ हमारे लिए भी तस्कीन की बात हो, कुछ बातें हमारे भी मुआफिक हों। अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात की, قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل। आप इस आयत करीमा का सियाक इससे पहले वाली भी आयत करीमा पढ़ करके देखिए आप, واذا تتلى عليهم اياتنا بينات, यानी आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह के कलाम में किज़्ब से काम लूं, इफ्तिरा से काम लूं, झूठ से काम लूं, जबकि मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान है। لقد فقد لبثت فيكم عمرا من قبل, क्या मैंने किसी इंसान के नाम पर कभी झूठ बोला? मैंने कभी किसी के नाम पर झूठ कहा? मैंने 40 साल जिंदगी मेरी आपके सामने है, और आप चाहते हैं कि आज मैं रब्बुल आलमीन के नाम पे झूठ बोलूं? सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। रब देख रहे हैं आप, अल्लाह सुभान व तआला ने आपकी 40 साल जिंदगी को बयान किया और कहा सूरह ज़ुहा में, अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदक दाल्लन फहदा। ये आपकी बढ़ती उम्र से मुतालिक गुफ्तगू है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम तो क़ब्ल अल बुलूग, बुलूग से पहले की उम्र है। वह जद का वालन फहदा, एक छोटा बच्चा कैसे राय हक की तलाश में निकलेगा बताइए? एक बड़ी उम्र का आदमी, इसकी उम्र बढ़ चुकी हो, अकल मजबूत हो चुकी हो, अब वो हक और बातिल में तमीज़ करने की सोचता है। कहा कि वह जद का वालन, आप राय हक के मुतलाशी थे, आप अल्लाह ने आपको हिदायत दी। वह जद का वालन फहदा, गोया कि आपकी इन 40 साल दौर तक गुफ्तगू की जा रही इन दोनों आयतों में निहायत इख्तिसार के साथ, कितनी जामियत है देखिए आप। तो अल्लाह के रसूल की नबूवत से पहले की ज़िंदगी पढ़ने की ये अहमियत और ज़रूरत के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब बड़ी जमात के हैं, हम सब उसूल हदीस पढ़ चुके हैं। हदीस की जो तारीफ़ की जाती है, हदीस की यानी मुजर्रद हदीस कह रहा हूँ, यानी अल हदीसुल मरफू, किसको कहते हैं अल हदीसुल मरफू? क्या तारीफ़ है इसकी? मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन। ये बिल्कुल आम है, मुस्तरा हदीस पर लिखी गई सभी किताबों में अल्फाज के कुछ रद्दो बदल के साथ सियाहा कुछ बदल करके रहेगा, लेकिन बात एक ही है, सब जानते हैं, बहुत मारूफ़ अल हदीसुल मरफू। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से उनके जो मजमूल फतावा हैं जिल्द नंबर 18, और बिल्कुल इसका आगाज़ पहले सफ़े से पढ़ती आइए 10 सफ़े तक, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ खुलासा करके। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से हदीस की तारीफ़ पूछी गई कि हदीस की तारीफ़ क्या, तकरीबन 5-6 सवाल किए गए आपसे, उसमें से एक सवाल ये भी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, जो मुहद्दिसीन के पास हदीस की तारीफ़ है उसको नकल करने के बाद कहा कि इन हदीस अर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा उतलिक दखल फीही मा कालहु बाद नबुवा वफअलहु बाद नबुवा। जब हदीस कहते हैं तो उसमें वही बातें आती हैं जो अल्लाह के रसूल ने नबूवत के बाद कहा हो, जो अल्लाह के रसूल ने नबूवत के बाद किया हो। मा उज़िफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन, यानी मा कालहु बाद नबुवा أو فعل أي ما فعله بعد النبوة ما قاله قبل النبوة وحديث کے تعارف میں ہے نہیں سمجھے اس بات کو آپ لیکن کچھ باتوں کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھا کہا کہ جب ہم حدیث کہتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں وقد يدخل فيها بعض اخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة। जब हम मुहद्दिसीन के पास हदीस कहते हैं तो उसमें अल्लाह के रसूल की सीरत का एक बड़ा हिस्सा उसमें दाखिल होता है, जिसमें अल्लाह के रसूल की हुस्न सीरत है, आपका नसब नामा है, आपके अकरबा हैं, आपके सालों से जो शक़े सदर वाला जो वाक़िया है, आपकी तिजारत से मुतालिक जो अच्छी बातें हैं, जो आपकी ज़िवात से मुतालिक बात है, आपका उम्मी होना, ला यक्तुबु वला यक़्रा, आप लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, ये सब चीज़ें बड़ी अहम है। क्यों? कुरान ने बयान किया है इसको। बात मेरी वाजी हो रही है आपको? कहा कि हदीस की वसात में ये भी दाखिल है, भले ही मुहद्दिसीन के पास हदीस एक ख़ास माने में है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक जगह पर जो मजमूल फतावा है उनके जिल्द नंबर 10 में सफ़ा नंबर गालिबन मैं समझता हूँ 393-94 आप देख लीजिए,
शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से उस बात से मुताल्लिक कि जो सूफिया के हैं ना, गाली किस्म के जो सूफिया हैं, जो खलवत नशीनी को एक इबादत समझते हैं, इस माने में कि कभी गारे हिरा चले जाएं, कभी किसी जगह मुराकबे के तौर पर बैठ जाएं 40-40 दिन, कभी गारे हिरा में चले जाएं और अपनी किसी घर में या किसी खानखा में बैठ जाएं और इस्तदलाल करें कि अल्लाह के रसूल देखो गारे हिरा में जाकर के बैठा करते थे। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में थे ना, वो नबुवत से पहले आप अलैहिस्सलाम को नबुवत मिलने के बाद आप 13 साल मक्के में थे, कभी आप गारे हिरा नहीं गए। आप अलैहिस्सलाम मदीना गए और आप हुदैबिया में सुलह होने के बाद वापस चले गए। दूसरे साल आप आए, आपने उमरा किया, फतेह मक्का की मुनासबत से भी आप थी, तकरीबन 12 दिन थे आप। हजरतुल वदा के मौके पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकरीबन काफ़ी अरसा रहे, कभी आप गारे हिरा नहीं गए, ना सहाबा में से कोई गए। तो आपका वो अमल नबूवत से पहले का है, नबूवत के बाद नहीं, उससे इस्तेलाल नहीं किया जा सकता। ऐसे कहा इब्न तैमिया ने रहमतुल्लाह। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा व इन शरअहु बाद नबुव्वा नहनु मामूरून बित्तिबाईहि फीह व इल्ला फला। नबुव्वत के बाद अल्लाह के रसूल का कोई मामला हो तो बताइए, वो हमारे लिए शरीयत है, हम मुकल्लफ हैं उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की, उस पर अमल करने की। व इल्ला फला, नबुव्वत से पहले का नहीं, यानी नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी को अगर आप बतौर दलील इस्तदलाल करते हैं, हुज्जत के तौर पर पेश करते हैं, तो नबुव्वत की बात की ज़िंदगी से मेल खाना चाहिए, उसके मुआफिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं, हदीस की तारीफ में चीज़ दाखिल नहीं होगी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताने के लिए अहमियत देखिए आप नबुव्वत से पहले की 40 साल ज़िंदगी को कितने इन्हिमाक से पढ़ना चाहिए कि जितनी वो अहम है, ज़रूरत है उसकी, उससे कोई मतलब तलाव और खिलवाड़ भी ना कर सके, उससे गलत इस्तेदलाल भी ना कर सके। उससे कोई मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम, कोई भी मुस्तशरिक ने उससे खेलते हैं, मारूफ कज़िया है। जैसे सूफिया का एक इस्तेदलाल देख लीजिए आप, अल्लाह के रसूल की नबूवत से पहले की जो 40 साल ज़िंदगी है उसके मुझसे मुतालिक तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं मुस्तशरिकीन। तो इस 40 साल ज़िंदगी को भी बड़े इन्हिमाक से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम की जो 40 साल ज़िंदगी है उसकी कुछ गोशे में आपके सामने रखता हूँ, कुछ पहलू में आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत ही अहम पहलू है, बड़ा पहलू है, वो अल्लाह के रसूल का नसब नामा। आपका नसब नामा इतना साफ, शफाफ, उमदा, आली, मेयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा अगर आपको याद भी ना हो तो आप याद करें, नहीं भी याद हो तो देख के कभी लिखा करें, पढ़ा करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि यह दुनिया का कितना साफ, शफाफ, उमदा, आली नसब नामा है, कितना उमदा नसब नामा है। अरबों के यहाँ अनसाब का कितना 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 लिहाज रखा जाता है, उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा आप में से किसी को याद है? किसी को याद है में से? चलिए बोलते जाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्दुल्लाह, इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इब्न हाशिम, इब्न अब्दुल नाफ, इब्न कुसई, इब्न किलाब, इब्न मुर्रा, इब्न काब, इब्न लुवई, इब्न गालिब, इब्न फार, यही कुरैश हैं। इब्न फार के बाद इब्न मालिक, इब्न नज़्र, इब्न किनाना, इब्न खुज़ैमा, इब्न मुद्रिका, इब्न इलियास, इब्न मुज़र, इब्न नज़ार, इब्न माद, इब्न अदनान। अब गौर कीजिए आप, अल्लाह के रसूल का ये जो नसब नामा है ये मामूली बात नहीं। अगर आपने इस नसब नामे को अच्छे से सुना होगा, एक हदीत मुबारक मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आप गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में कितनी शफाफियत है, कितना कितना खालिस नसब नामा है आपका, और आप किस कदर आली मेयार पर, आला मेयार पर हैं, आप गौर कीजिए। एक हदीत मुबारक है सही मुस्लिम की किताबुल फ़ज़ाइल में, इमाम नववी ने बाब ही कायम किया, बाब फ़ज़ली नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी हैं वासिला बिन अलअस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, 85 हिजरी से वफ़ात है इनका, सिफर 5 हिजरी मुल्क शाम में इंतकाल होने वाले आखिरी सहाबा में से शुमार होता है इनका। वासिला बिन अलअस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना कि इन्नल्लाहस्तफा किनानत मिन वलदी इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम के आल औलाद में अल्लाह ताला ने किनाना का इंतखाब किया। अगर आपको किनाना नहीं मालूम है तो उनकी ज़िंदगी को पढ़ के देखिए किस कदर अजीम शान इंसान थे वो। किनाना, इन्नल्लाहस्तफा किनानत मिन वलदी इस्माईल, वस्तफा किनानत, वस्तफा कुरैशन मिन किनानत, वस्तफा कुरैशन मिन किनानत, किनाना से अल्लाह सुभान व तआला ने कुरैश का इंतखाब किया। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, और कुरैश से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु हाशिम का इंतखाब किया। ये इस्तफा छोटी बात नहीं है, अल्लाहु यस्तफी अल्लाहु यस्तफी, अल्लाह इंतखाब करते हैं, मामूली बात नहीं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम से मुझे अल्लाह ने चुना। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं आप इस बात को। एक एक कभी खेल खेलते नहीं लोग, 15 लोग रहते हैं, एक एक करके निकलते जाता है, जो पहले नंबर पर आता है उसका क्या मकाम क्या दर्जा रहता है, उसकी सलाहियतें कैसी रहती हैं। अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से इंतखाब है ये। अल्लाह सुभान व तआला ने बनू हाशिम से अल्लाह के रसूल का इंतखाब किया। मैं एक वाक़ा मैं आपको बताता हूँ, आप दंग रह जाएंगे। वाक़ा अच्छी तरह मालूम है आपको, लेकिन मेरे मौजू से मुतालिक जो बात है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने को गए, बदर का वाक़या, बदर का हादिसा वाक़े होने से पहले आप अलैहिस्सलाम ने जो अबू सुफियान का जो लश्कर था, तिजारत का जो काफिला था, उसको हासिल करने की आपने कोशिश की और वो बचाते निकल गए अबू सुफियान। अभी सब मुसलमान नहीं थे वो, रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए, लेकिन बदर के हादसे के बाद, उहद के हादसे के बाद इन पर इतनी कड़ी निगरानी की गई इनकी तिजारती काफिलों की कि बहुत ही तंगी महसूस करने लगे ये लोग। आप अरब का जोग्राफिया उठा करके देखिए, मक्के से मुल्क शाम जाना हो तो फिर मदीने से होकर के साहिली इलाका बआसानी मदीने के लोग इन पर हमला कर सकते थे, इन पर रोक लगा सकते थे, आसान नहीं था इनके लिए। इसकी वजह से इनकी जो तिजारती काफिले जाया करते थे वो रुक गए, हो भूख प्यास की शिकार हो गई, कमर टूट गई इनकी। हुदैबिया में इतनी आसानी से ये सुलह के लिए आगे नहीं बढ़े, इनकी कमर टूट गई थी इनकी। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद इनके लिए रास्ता खुला और ये मुल्क शाम के लिए जाने लगे तिजारत को। अबू सुफियान के साथ तकरीबन 30 लोग थे, जैसे कि इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है, इमाम नववी वगैरह ने तो कुछ नाम भी लिखे हैं। 30 लोग अबू सुफियान के साथ मुल्क शाम गए हुदैबिया के बाद, 7 हिजरी के आगाज़ में। और इस तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मदीने का जो पीछे का हिस्सा है वो एक मदीने का पिछला हिस्सा है, मक्के की तरफ से राहत मिल गई, तो आपने आगे का रुख किया खैबर की तरफ। जब खैबर जाने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को खतूत भी लिखा, आपने अबू सुफियान का काफिला फ़लस्तीन मुल्क शाम पहुँचने से पहले अल्लाह के रसूल का ख़त पहुँच गया था वहाँ पर। हिरक्ल बादशाह जो किसरा को शिकस्त दे दिया था और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था, सुपर पावर ताकत हो गई थी वो, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए फ़लस्तीन पहुँचा वो मस्जिद अक्सा को। और यहाँ पर ही अबू सुफियान का काफिला तिजारत के लिए गज़ा जो साहिल इलाका है फ़लस्तीन का वहाँ पहुँचा हुआ था। बादशाह को जैसे ही ख़त मिला, बादशाह ने देखा कि अरबी में ख़त है और उसने देखा कि देखिए कौन है अहले अरब, उन्हीं मेरे पास लेकर के आओ। अबू सुफियान का काफिला था तो लेकर पहुंचा दिया गया उनके पास। बादशाह ने मुतादी सवालात किए उनके सामने, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन मेरे मौजू से मुतालिक जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही बुखारी की जो हदीस हिरक्ल है, मारूफ हदीस तवील, आप देखिए किताबुल बदील वही में भी है, किताबुल जिहाद में भी है, किताबुल तफसीर में भी है यह हदीस मुबारक। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कान अव्वल मा सअलनी अन, हिरक्ल ने जो सबसे पहले मुझसे सवाल किया, क्या सवाल किया, कैफ नसबहु फीकुम, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल नसब नामे के एतबार से कैसी हैं आपके दरमियान। पहला सवाल कहा कि कान अव्वल मा सअलनी अन, मोहम्मद की शख्सियत से मुतालिक पहला सवाल कैफ नसबहु फीकुम, नसब हसब के एतबार से कैसे हैं वो तुम में, घराना कैसा है उनका, किस घर से आए हैं वो। अबू सुफियान ने कहा कि हुआ फीना दू नसब, हुआ फीना दू नसब, सुभान अल्लाह, गौर कर रहे हैं आप, हुआ फीना दू नसब,
यानि दू नसबिन आलिन दू नसबिन अज़ीमिन, ये माने भी अरबी ज़ुबान में कोई भी इस्म नकिरा होता है उसकी मुतअद्दिद अक़साम है। कभी इस्म नकिरा होता है तहज़ीम के लिए, तफ़ख़ीम के लिए, किसी चीज़ को बड़ा बताने के लिए। फ़अज़नू बिहर्बिन मिन अल्लाह, हर्ब नकिरा है ना, बिहर्बिन अज़ीम इस माने में, यानी दू वफ़ीना दू नसब। देख रहे हैं आप पहला सवाल किससे मुतालिक है, आपके नसब नामे से मुतालिक, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल के नसब नामे को आप अपने अपने अंदाज में दीगर ज़ुबानों में, मैं समझता हूँ जितने लोग हैं अख़वान बैठे हैं, जामे मोहम्मदिया के हों या हमारे मादर इल्मी दारुस्सलाम औरबाद के हों, कोई भी हो जामे मोहम्मद रायदुर के हों, जिनको तेलुगु ज़ुबान आती हो, कन्नड़ी ज़ुबान आती हो, तमिल हो, जो इलाकाई ज़ुबान हैं, अल्लाह के रसूल के नसब नामे से मुतालिक 10 मिनट की वीडियो बनाएं आप, हल्की फुल्की तहरीर लिखें आप मुतअद्दिद ज़ुबानों में, बताएं है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जज्बात और एतिकादात से उठ करके इल्मी एतबार से हम क्यों तारुफ नहीं करवाते अल्लाह के रसूल से मुतालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके नसब नामे को हम बताएं कि आपका नसब नामा किस कदर आली है। ये 40 साल दौर पढ़ने से मुतालिक बात है कि आपका नसब कैसे, यानी लोगों ने सवाल किया आपके नसब से मुतालिक, ये मामूली बात नहीं है। एक दूसरी बात, वक्त की खिल्लत की वजह से मैं आपके सामने कुछ कुछ बातें रख रहा हूँ। 40 साल दौर में ये बात भी नुमाया है कि आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी बेदाग जवानी, आपके साफ शफाफ मुआमलात, आपकी रास्तगोई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतालिक अल्लाह ने कहा सूरतुल कलम में, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, भला बताइए अल्लाह की गवाही के बाद किसी की गवाही की ज़रूरत है, वकफ़ा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह की गवाही के बाद किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं। मुआशरती एतबार से लोग कहते हैं किसी मर्द से मुतालिक अगर उसकी बीवी गवाही देती है कि मेरा शौहर साफ शफाफ है, बेदाग है, बहुत बहुत माना रखती है बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुतालिक जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया, सही बुखारी की जो रिवायत है किताब बदल वही की, उम्मुल मोमिनीन खदीजा बिनत खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कहा, कल्ला। कल्ला का ताल्लुक पिछली बात से भी होता है और आगे की बात से भी होता है, यानी एक बात की इसमें तरदीद होती है, रद्द होता है एक बात का, और एक बात का इस्बात होता है कल्ला के अंदर। कहा कि कल्ला, यानी जो आप समझते हैं कि आप के तालों से कोई बड़ा हादसा होने वाला है, आपकी हजीमत होने वाली है, आपके तालों से कोई मतलब आपकी रसवाई की कोई बात आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ तो बहुत अच्छे मामलात होने वाले हैं। कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाह अबदा। ये एक बीवी जो है ना जज्बाती बाती नहीं थी, दलाइल की रोशनी में कहा कि इन्नक लतसिलुर रहीम, लतसिलुर रहीम छोटी बात नहीं है, व तहमिलुल कल व तकसिबुल महदूम व तकसिबल महदूम व तुईना अला नवाइबिल हक। अल्लाह के रसूल से मुतालिक इतनी बड़ी बड़ी बातें, व तकरी ज़ईफ, आप अलैहिस्सलाम का मज़लूमों का साथ देना, गरीबों का साथ देना, हत्ता कि मुआशरे में ऐसे लोग जो कमाने के काबिल नहीं हैं, व तकसिबुल महदूम, आप जाकर के उनके लिए कमा के ला के देते हैं, ये छोटी बात है क्या बताइए, और कौन कह रही बीवी, अरे मेरे लिए वक्त दीजिए ना, आप दूसरों के लिए वक्त दे रहे, छोटी बात ही, अपने अपने घरों का सोच के देखो आप, हम किसी से मुतालिक कोई मामला करते हैं घर घर के खवातीन का क्या हाल चाल रहता है, लेकिन उम्र में खतीजा ने रजी अल्लाह आना कितनी बड़ी बात की अल्लाह के रसूल के बारे में, जो कमाने के काबिल नहीं है आप उनके लिए अलग से वक्त निकालते हैं, उनको कमा के ला के देते हैं आप, यही तो औसाफ़ हैं जिसकी वजह से शादी की उन्होंने। ये छोटी मोटी बातें नहीं जो अल्लाह के रसूल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने खतीजा ने रजी अल्लाह आना, इसे सिर्फ घर का वाक़ नहीं बता सकते हम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, आपके बारे में आपकी गवाही, आपसे मुतालिक गवाही पहले दिन दे दी आपकी बीवी, एक ज़माना आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद, तकरीबन 15 साल आपके पास आपके आपके आपकी जोजित में ज़िंदगी गुजारी है, 15 साल में इतनी जची तुली गुफ्तगु, इतना उम्दा ख्याल, पहले दिन नहीं इश्क में मारी हुई है, कुछ भी कह देती है बीवी, शोहर कुछ भी कह देता है अपनी बीवी के बारे में, नहीं 15 साल लगाने के बाद, सुभान अल्लाह, ये छोटी बात नहीं अगर आप गौर करें अल्लाह के रसूल से मुतालिक, आपका अखलाक देखिए अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान से मुतालिक अभी मैंने कहा आपको हदीस हिरक्ल की रोशनी में, हिरक्ल ने अबू सुफियान से कहा हल तत्तहिमूनहु बिल कज़िब क़ब्ल अन यक़ूला मा क़ाल,
قبل ان يقول ما قال, کیا مطلب, یعنی نبوت جب سے ملی ہے ان کو, نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے, هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال, 40 سال کی نبوت کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نبوت کی بات کریں تو 13 سال مکے کے اور حدیبیہ کا 6 سال اگر لگا لیں 19 سال, تقریبا 20 سال کہ صرف نبوت کے سال 20 سال, نبوت کا دور 20 سالہ دور ابو سفیان کے سامنے ہے, مکے کے 13 سال اور حدیبیہ تک کے 6 سال اور جو ہے 7ویں سال کا آغاز, تقریبا 19-20 سال نبوت کے ابو سفیان کے سامنے موجود ہیں اللہ کے رسول کے. لیکن اس سے متعلق سوال نہیں ہے بادشاہ کا, هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال, نبوت کے اعلان سے پہلے کے جو 40 سالہ دور ہیں اس میں کبھی آپ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا, ان کو کبھی جھوٹ دیکھا ہے ان میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا, ایک ہی جواب. بادشاہ نے کہا فعرفت انه لا يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله, کہ میں یہیں سے سمجھ لیا, یہیں سے میں نے اندازہ لگا لیا, یہ 40 سالہ دور میں لوگوں کے درمیان لوگوں کے نام پر جھوٹ نہیں بولے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا نام لے کے کیسے جھوٹ بولیں گے, لوگوں کی اتنی عظمت ہے ان کے دلوں میں, لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت, اس کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے پوچھا آپ کو قبل ان یقول ما قال, اس وقت کا مجھے بتاؤ, اس وقت جھوٹ بولیں گے؟ 40 سالہ دور نبوت کتنی عظیم الشان زندگی آپ کے اندازہ لگائی. میں بالکل, وقت میرا ختم ہونے جا رہا ہے, 10-15 منٹ غالباً باقی ہیں میرے, 25 کو میں نے شروع کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھے سادھے انسان تھے, اپنی بیوی سے متعلق, لوگوں سے متعلق, تجارت سے متعلق سچ بولتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, امانت دار انسان تھے. تو یہ جو سادگی جو ہم بیان کرتے ہیں ان سے, ان سب چیزوں سے اٹھ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول ایسے بھی سیدھے سادھے انسان نہیں تھے جیسے عام طور پر لوگ ہوتے ہی نہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سیدھا سادھا انسان ہے, صبح کو کام میں جاتا ہے, شام میں اپنے گھر آ جاتا ہے, اپنے گھر میں رہتا ہے, اور پھر جو ہے کسی سے, ایسے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے سیدھے سادھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ معاملہ الگ تھا, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک الگ بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے ان سیدھے سادھے لوگوں کی طرح نہیں تھے جو بس اپنے کام سے تعلق رکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت فعال انسان تھے, متحرک انسان تھے. جب بھی ظلم ہوتا اس کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں آپ صف اول میں ہوتے, مظلوم کے ساتھ دینے کی بات آتی تو آپ پہل کرتے اس میں, کسی کا کچھ معاملہ ہوتا تو آپ پہل کرتے اس میں, کہیں کچھ خرابی ہے دور کرنا ہے آپ پہل رہتے ہو, آپ پہل کرتے اس میں. یعنی ایک متحرک انسان, ایک جاندار انسان. معاشرتی اعتبار سے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں, معاملہ ان کا رہتا ہے, میرے گھر کا نہیں لیکن میں کھڑا رہتا ہوں ان کے گھر کے سامنے, معاملہ ان کا رہتا ہے وہ آدمی وہاں بھی نظر آتا ہے, معاملہ ان کا رہتا ہے وہ آدمی وہاں بھی نظر آتا ہے. اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے مسائل اپنے گھر کے سرپرستوں کو چھوڑ کر کے کبھی ان کے دروازے کے پاس جاتے ہیں, ہمارے گھر کا مسئلہ حل کیجیے. تو معاشرے کے کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے رسول تو ان کے لیے بھی تو نمونہ ہیں. آپ علیہ السلام یعنی ایک کامل انسان, ایک کامل رجل, رجولیت کے سارے اوصاف آپ کے اندر اور عمدگی کے ساتھ. تو ایسے بھی سیدھے سادھے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں, سب جانتے ہیں لیکن میرے موضوع سے جوڑ کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. حلف الفضول دیکھ لیجیے آپ, حلف الفضول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر لگ بھگ ایک 20 سال کی عمر تھی آپ کی, لگ بھگ 15-20 سال کے درمیان کی عمر. حرب الفجار آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اسلام سے پہلے کی جو عرب کی جو تاریخ ہے اس میں حرب الفجار یا حرب الفجار ایک معروف معرکہ ہے جو ایک طرف قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہو گئے تھے اور قیس ابن عیلان وہ قبیلہ ایک طرف تھا, دونوں کے درمیان لڑائی تھی اور عرصے تک لڑائی چلی, وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی ہوئی. وہ بہرحال جب جا کر کے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک حادثہ پیش آیا, ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, عاص بن وائل قرشی بنو سہم سے, بنو سہم سہمی ہیں وہ, السہمی, انہوں نے ایک آدمی سے کچھ معاملہ کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا, پیسے نہیں دیا اس کو, چیزیں لے لیں پیسے نہیں دیا اس کو, واپس نہیں لوٹایا,
वो आदमी बारह मांगता रहा और ये टाल मटोल करते रहे। बिल आखिर वो शख्स अबू जबल अबू खुबैस, बहुत बड़ी पहाड़ी, काफ़ी हिस्सा तोड़ दिया गया उसका आज का, लेकिन बहुत बड़ी पहाड़ी है वो, उस पर खड़ा हुआ और अपनी मजलूमाना अंदाज में अशार कहने लगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो अल्लाह के रसूल के चचा हैं अलैहिस्सलाम, उन्होंने हलचल मचाई और लोगों को एहसास दिलाया मज़लूम की फरियाद सुनने वाला कौन है, जल्द से जल्द इसकी जो है मतलब इसका हक दिलाया जाए वगैरह। उसके लिए कुछ लोग जमा हुए, बनू हाशिम से कुछ लोग, बनू तईम ये भी एक कबीला है कुरैश का, अबू बकर सिद्दीक उसी कबीले से हैं, अदना आला बिल्कुल आखिरी दर्जे का कबीला है, और बनू ज़हरा अब्दुर्रहमान बिन औफ उसी से। ये तीन कबीले के लोग जमा हुए, उसमें अल्लाह के रसूल 20 साल की उम्र, आप मुआशरत एतबार से एक 20 साल के नौजवान को खड़ा करके देखिए, आप अल्लाह के रसूल उसमें शरीक हैं। कितना बड़ा एक्शन लिया गया कि हम किसी मज़लूम को जब तक उसका हक नहीं दिला देते हम खामोश नहीं बैठेंगे, किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ होती है उसकी जब तक तकलीफ़ दूर नहीं होगी, लेकिन गोया कि हम मज़लूम के हक में जालिम के हक में नहीं। ये आम बात है या ख़ास बात है बताइए, एक 20 साल के नौजवान को रख करके देखिए आप, आप अलैहिस्सलाम हमेशा किन लोगों के साथ थे, यानी इतनी छोटी उम्र में लड़कपन में आप अलैहिस्सलाम की सोच और आपके ख्यालात लोगों के सामने थे। यारिफू ना हो कमा यारिफू ना अब ना आहूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मामला इतना साफ शफाफ, इतने मुतहर्रिक इंसान थे आप। एक शख्स थे अब्दुल्लाह इब्न जुदान अत्तैमीम, उनके घर में ये बैठक हुई थी, तो अल्लाह के रसूल उसमें शरीक थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वाक़ मैं आपको बताता हूँ, आप अलैहिस्सलाम किस दर्जे के इंसान थे, आपकी 40 साल दौर किस कदर उमदा थी। देखिए आप कि मक्का जो 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 काबतुल्ला है आज का जो ढांचा है वो नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उसकी दीवारें बहुत बुलंद नहीं थी, छत भी नहीं थी, दो दरवाजे थे और काफ़ी अर्ज के अतबार चौड़ाई काफ़ी थी। लेकिन जब एक ज़माना आया कि कुछ लोगों ने उसके अंदर की कुछ चीज़ें चोरी कर ली, छत भी नहीं थी उसमें, दरवाज़े नहीं थे, तो और फिर सैलाब भी आया तो उसकी दीवारें खोखली हो गईं। उसको अब असर ही न बनाने की जब बात आई तो उनके दिल में एक डर था कि जब क्या क्या जाए। बहरहाल मुझे वह वाक़ा नहीं सुनाना, सबको मालूम है वलीद बिन मुग़ीरा ने जो है पहली ईंट निकाली, फिर जो इसको ढाया गया, फिर बनाया गया हलाल पैसों से सब कुछ, मुझे ये सब बातें नहीं बतानी है। मुझे जो बताना है वो ये कि जब हजरे अस्वद को रखने की बात आई, जहाँ उसको रखना चाहिए था, एक निज़ा पैदा हो गया, एक झगड़ा पैदा हो गया कि ये शर्फ किसको मिलेगा। इसलिए कि जो काबतुल्ला को बनाया गया तो सबके लिए कुछ कुछ हिस्सा दे दिया गया कि आप ये बनाएंगे, लेकिन ये किसके हिस्से में, ये पहले तय नहीं हुआ था। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद अबू उमैया बिन अल मुग़ीरा अल मखज़ूमी, उन्होंने लोगों से कहा कि इजअलू फीमा बैनकुम तख्तलिफून फी अव्वल मन यदखुल मिन बाब हाज़ा अल मस्जिद यक़्ज़ी बैनकुम फी। एक काम करते हैं, कल सुबह जो मस्जिद हरम के इस दरवाजे से दाखिल होगा पहला शख्स, यक़्ज़ी बैनकुम फी, वही तुम्हारे दरमियान सवाल फैसला करेगा, अब उसको हकम मान लेंगे। इब्नु हिशाम रहमहुल्लाह ने अपनी असीरा नबविया में इसको बग़ैर सनद के इस कौल को पेश किया है, बग़ैर सनद के चाहे जाए कि उसके सनद पर कलाम किया जाए, लेकिन उसमें अल्फाज हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में दाखिल हुए, सबसे पहले दाखिल होने वालों में से थे, तो लोगों ने कहा कि हाज़ल अमीनु रज़ीना हाज़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मारूफ हादिसा है, मारूफ वाक़िया है, आप अलैहिस्सलाम किस कदर यानी मुत्तफ़क अलैहि शख्सियत थे, आपकी शख्सियत में निज़ा नहीं था, हर कोई आपको अपना समझता था, आप किसी के लिए ख़ास, किसी के लिए ऐसे, किसी के लिए दूर के ऐसे नहीं थे अल्लाह के रसूल, आप सब आपके लिए एक मुत्तफ़क अलैहि शख्सियत। किसी ने नहीं कहा कि जो है मतलब इनसे हम राज़ी नहीं हैं, कोई दूसरा आ जाए, कहा कि हाज़ल अमीन रज़ीना, कितनी बड़ी बात है सुभानअल्लाह अज़ीम। आप अलैहिस्सलाम की जो 40 साल दौर है इससे मुतालिक एक और बात मैं आपको बताता हूँ, वो यही कि आप अलैहिस्सलाम का जो 40 साल दौर है उसमें आपका उम्मी होना, ला यक़्रऊ वला यक्तुब, आपका अनपढ़ होना,
ये भी ज़रूर इसको नुमाया करना चाहिए। कुरान ने इसको नुमाया किया, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की क़ब्ल नबू वाली ज़िंदगी को कहा कि ये इसको नुमाया करना चाहिए, ऐसे कहा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने। कुरान मजीद ने कहा सूरह शूरा के बिल्कुल आखिर में, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان। यानी ये आज आपको अल्लाह ने किताब दी है, आज अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, लेकिन कल के दिन आपको ये बात पता ही नहीं था, इससे पहले मालूम ही नहीं था आपको नहीं मालूम था। ये सिर्फ मालूम नहीं था, इतनी सी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़सस के आखिर में कहा वमा कुंता तरजु अन युल्का इलैका अल-किताब इल्ला रहमतन मिन रब्बिक। आपके दिल में कोई ख्याल भी नहीं गुजरा है एक आपको आज नबी बनाने वाले हैं, इससे एक घंटा पहले आपको पता ही नहीं कि आपको नबूवत मिलने वाली है। मा कुंता तरजु अन युल्का इलैका अल-किताब, इस बात को रखना चाहिए। कुरान ने आपकी नबूवत के दलाइल में से इसको पेश किया है कि आप अलैहिस्सलाम खालिस अल्लाह के नबी, आपको पता नहीं है, ऐसे नहीं कि पहले से कुछ ख्याल थे। समझ रहे इस बात को आप जी? ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, एक तो मक्के के लोग तिजारत करते थे, अल्लाह के रसूल ने बकरियाँ भी चराईं। इस वाक़े को आप आम वाक़ा मत समझें, यह आपकी नबूवत की दलील है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने अल-जामिउस्सहीह की किताबुल इजारा में एक हदीस मुबारक लाए हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख से कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बअथल्लाहु नबियन इल्ला रहा अल-गनमा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल व अंत, आपने कहा कि अल्लाह ने जिस नबी को भी भेजा है उन्होंने बकरियां चराई, आपने भी चराई अल्लाह के रसूल? कहा कि नाम कुंत अरआहा अला करारीता लिअहली मक्का, बिल्कुल छोटी सी पूंजी पर मैंने अहले मक्का के लिए बकरियां चराई हैं। इस हदीस को आप आम हदीस ना समझें। दारुस्सलाम रियाज का जो मकतबा है, यहाँ से जो कुतुबी सित्ता जो मुतरजम होकर आ रहे हैं हल्की फुल्की शरह के साथ, सुन इब्न माजा भी मुतरजम होकर आई है, देखा आपने, सबों ने देखा है। मौलाना अताउल्ला साजिद हमारे पड़ोसी मुल्क के आलिम दीन हैं, इन्होंने इस हदीस मुबारक की शरह में, ये सुनने में माजा की किताबुत तिजारत में भी है, इसमें उन्होंने कहा कि इस हदीस मुबारक की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो नबूवत के बाब में नबूवत के ऐलान में, इसलिए कि उसकी पूरी ज़िंदगी बताती है कि उसने कभी बकरियां नहीं चराई। और अल्लाह के रसूल ने कहा मा बअथल्लाहु नबियन इल्ला रहा अल-गनम, और इसने बकरियां नहीं चराई। ये भी एक दलील है इसके नबी नहीं होने की। तो अल्लाह के रसूल की जो 40 साल दौर है, इसे आप आम जिंदगी के तौर पर ना पढ़ें। ये आपकी नबूवत जो आप खातमुन नबीन है, कोई और नबी आने वाला नहीं है जो आपकी नबूवत की तस्दीक करने के लिए आए। वमुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मु अहमद वमुसद्दिकन लिमा बैन यदी मिन बैन यदी। मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक के लिए भी आए थे ना ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल की तस्दीक के लिए कौन आएगा? अभी नबी तो आने वाली नहीं। तो मामला ऐसा नहीं है। आपकी 40 साल दौर बहुत बहुत मोहतम शान है पढ़ने के लिए। मेरे मौजू से मुताल्लिक बिल्कुल आखिरी बात, तकरीबन 4-4.5 मिनट बाकी हैं मेरे, बिल्कुल आखिरी बात वही है कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो 40 साल दौर है नबूवत से पहले की, इस नुक्ते नज़र से भी पढ़ना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम खालिस फितरत पर थे। आपने कभी बुतों की इबादत नहीं की, आपने किसी सनम को छुआ नहीं, आपने कभी करीब नहीं गए उनके, कभी उनके नाम पर जुबा नहीं किया आपने, कभी आपने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया आपने, कभी उनके सामने सजदा नहीं किया आपने, कभी शराब नहीं पिया आपने, कभी आपने गैरुल्लाह की इबादत नहीं की, कभी गैरुल्लाह की कसम नहीं खाई आपने। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? आप देखिए बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहते हैं, आप बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे, आप सुलह करने वाले थे, आपका अखलाक ऐसे ऐसा ऐसा था, और जो है यानी आप जो है मतलब गरीबों के ऐसे थे, आप मजलूमों के ऐसे थे, सब कुछ। इस नुक्ते को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आप फितरत पर कायम थे, आपने कभी शिर्क नहीं किया। आपने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जमीत अहलेदीस की तरफ से, आपने देखा होगा जहां बहुत सारे स्वामियों को बुलाया जाता है, और अल्लाह के रसूल के बारे में वो क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल अमन के रहबर थे वगैरह वगैरह कहते नहीं कहते हैं। देखिए हम इनकी नेक नियति पर हमला नहीं करते, हम कहेंगे कि यकीनन इनसे कहीं गलत फहमी हो रही, कहीं चूक हो रही इनको,
वो हक बनता है कि हम इनको बताएं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में अगर आप 40 साल दौर को भी अगर आप सामने रखते हैं, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप खालिस फितरत पर थे, आपने कभी बुतों की इबादत नहीं की आपने। अल्लाह 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 सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में कई मकाम पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जो बातें कहीं उनमें से एक बात ये भी कि आपका मामला साफ शफाफ, जो हदीत मुबारक ने हदीत अबी हुरैरा से बुखारी की, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, आप फितरत पर कायम थे, आप फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा, आप अलैहिस्सलाम की तरह एक शख्स को इसमें नमूना बनाना चाहिए, उस तक हक नहीं पहुँचाए, दीन नहीं पहुँचाए, यानी बुत परस्ती उसने कबूल कर ली, इसका मतलब कि फितरत मान पड़ गई उसकी, फितरत मुतासिर हो गई उसकी। हम बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखते हैं आज भी जो भले ही किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा होते हैं लेकिन बढ़ती बढ़ती उम्र में वो इन सब चीज़ों से बेजार होते हैं कि भई ये हमारे माबूद तो नहीं हो सकते, हक क्या है हमें नहीं मालूम लेकिन इतना तो मालूम है कि ये तो हक नहीं है। ऐसे ही लोग आज भी आप मैदान में जाएंगे तो आपको मालूम होगा ऐसे, और इस तरह के लोग इस्लाम कबूल करते हैं और अल्लाह के रसूल तो उनकी रईस हैं, आप अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया आपकी इस बाब में इस्मत हैं कि आपने कभी बुतों की इबादत नहीं की आपने। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी, 40 साल की उम्र का एक इंसान कैसे होता है आप मुआशरे के एतबार से देख सकते हैं कि उनकी अक्ल कितनी मजबूत होती है, कितनी पुख्ती होती है और शोर कितना गहरा रहता है उनका। सही बुखारी की जो बिल्कुल आगाज़ में किताब बदल वही की हदीत है, हदीत व आयशा, वो कहती हैं कि कान अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रुया सादिका फिर नौम, अल्लाह के रसूल की जो नबूवत का जो आगाज़ है आपको ख्वाब बताए गए, फ़कान अल्लाह यरा रुया इल्ला जाअत मिस्ल फलक सुबह, रात में जो देखते ख्वाब में आप, दिन में आपको वही हवादिस वही मनाजिर वही वक़ाए आपके सामने होते। उसके बाद जो बात है वो मेरे मौजू से मुतालिक है, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा थुम्मा हुब्बिबा इलैहि अल-खला फ़कान यख़लु बिग़ार हिरा फ़यतहन्नस, आप ग़ारे हिरा में चले गए, आपको आपके दिल में खलवत नशीनी की मोहब्बत डाल दी गई कि आप खलवत इख्तियार करें, आप तनहा पसंद हो गया। क्यों तनहा पसंद हो गया आप, क्यों तनहा पसंद हो गया आप, आपको ये बुत परस्ती मतलब गिरा गुजरने लगी आप पर, बेचैन थे आप कि ये कैसे माबूद हो सकते हैं, आपको वही के जरिए से बताया गया आपको नहीं लेकिन आप बेचैन थे। आप ये आपकी 40 साल दौर का है बहुत ही मतलब नुमाया पहलू है, और सबसे नुमाया पहलू है अल्लाह के रसूल के अखलाक पे अगर कोई गुफ्तगू करता है तो अखलाक का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो आपका बंदों से नहीं आपका अल्लाह से रहा है मामला, अखलाक का सबसे बड़ा दर्जा वो है। एक शख्स बंदों के साथ अच्छा मामला करता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है, ये यकीनन बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला से जो अखलाक होते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है और अल्लाह के रसूल का मामला तो वही है सबसे बड़ी बात। बहरहाल बिल्कुल वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को और खुसूसन आपकी वो ज़िंदगी जो 40 साल दौर पर मुहीत है उसे पढ़ने समझने कि अल्लाह ताला हमें सआदत दे, तौफीक दे, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने, लोगों में आम करने के अल्लाह हमें सआदत दे। सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।